हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? अब पढ़ने के लिए थोड़ा रेडी हो जाइए आप लोग। आज की आपकी जो क्लास है वो एनिमल किंगडम की होगी, और एनिमल किंगडम में जैसे हमारा चल रहा था सभी, अभी कल हम लोगों ने जो फाइलम पढ़ा था एसके हेलमेंथीज, और एसके हेलमेंथीज के बाद में आज हम लोग जो फाइलम पढ़ेंगे वो फाइलम है एनिडा। तो एनिडा में क्या क्या लक्षण हैं, इसके कौन से नए लक्षण हैं और क्या पुराने लक्षण, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बाद में हम इसे एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए, आपके वीडियो की सुविधा के लिए छोटा वीडियो रहे इसलिए मैंने बोर्ड पे पहले से ही लिख रखा है सारी चीजों को, बस आपको इस चीज को समझना है। यही सारे पॉइंट जो है वो आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिख रखे हैं। आप अपनी बुक खोलिए, सारे पॉइंट उसमें ऐसे लिखे हुए हैं सेम। अब आप समझिए ये एनसीईआरटी का मतलब क्या, एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है और कैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछे, ये सारी चीजें मैं आपको आज क्लियर कर रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए एनिडा, तो प्लेटी हेलमेंथीस के बाद में, सॉरी एसके हेलमेंथीस के बाद में जो फाइलम आता है उसका नाम एनिडा है। और अगर इसका हम देखें तो ये ग्रीक भाषा के एनिमल शब्द से लिया गया है, ठीक है। ग्रीक भाषा के एनिडा जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के एनिमल शब्द से आया है, जिसका मीनिंग होता है लिटिल रिंग। यानी ऐसे एनिमल को इसमें रखा गया है जिनकी बॉडी छोटी 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 रिंग के रूप में क्या होती है, डिवाइड होती है। यानी उनकी बॉडी में छल्ले पाए जाते हैं, उनकी बॉडी का हर एक पार्ट अलग अलग होता है। तो उन एनिमल्स की आज बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात है इनका जो मतलब होता है लिटिल रिंग, यानी छोटे छोटे खंड। अब इनमें ये प्रोसेस पाई जाती है, छोटे छोटे खंडों में अगर किसी की बॉडी डिवाइड है तो उसको हम बोलते हैं सेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? सेगमेंटेशन या खंडी भवन। खंडी भवन का मतलब कि बॉडी में छोटे छोटे खंड मिलके, क्या जैसे ट्रेन देखी आपने, ट्रेन में क्या हो मतलब एक कोच दो कोच कई सारे कोच मिलकर पूरी ट्रेन बनाते हैं, और हमें बाहर से दिखाई भी देते हैं क्या कि वो बाहर से भी कैसी है, अलग अलग है, और अंदर से भी अलग है। ऐसा नहीं कि अंदर पूरी ट्रेन एक में जुड़ी हुई हो, अंदर भी उसमें डिवाइडेशन है और बाहर से भी हमें डिवाइडेशन दिखाई देता है। तो ये हो गया सेगमेंटेशन। और सेगमेंटेशन बेटा दोनों प्रकार का होता है, एक्सटर्नल भी होगा और यानी बाह्य सेगमेंटेशन भी होगा और आंतरिक भी होगा, आंतरिक सेगमेंटेशन भी इसमें पाया जाता है। दोनों प्रकार का सेगमेंटेशन पाया जाता है। और एनसीआर ने चीज और लिखा है बेटा, सेगमेंटेशन का दूसरा नाम होता है मेटामेरिज्म। क्या होता है? मेटामेरिज्म। आपसे ऐसे पूछ रहा है कि मेटामेरिज्म किस संघ के जंतुओं में होता है, तो आप बताएंगे मेटामेरिज्म जो होता है मुख्य रूप से बाह्य और आंतरिक, वो किसी में होता है, एनिडा में होता है, ठीक है। और क्या होता है, और इसके एक खंड को हम सेगमेंट बोलते हैं या खंड बोलते हैं, ठीक है। एक खंड को सेगमेंट बोलते हैं और या फिर मेटामेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटामेयर। आप लोग लिखते रहिए, आपको नोट्स बनाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसमें कुछ नोट्स बनाने में जैसा मैं बोल रहा हूं आपको सेम वैसे ही अपनी कॉपी में लिखना है, इसे देख के कि इन जंतुओं की बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है, अर्थात इसमें छोटे छोटे खंड पाए जाते हैं, ठीक है, या इसे इन खंडों को मेटामेयर कहते हैं, ऐसे आपको लिखना है जैसे मैं बोल रहा हूं आपको। उसके बाद में ये सेगमेंट कैसे होंगे, इनकी बॉडी बाहर से भी अलग अलग दिखाई देती है और अंदर से भी अलग अलग दिखाई देती होगी। जैसे मैं आपको तीन चित्र यहां दिखा रहा हूं, नेरिस, अर्थवाम, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है, नेरिस, अर्थवाम और आपका लीच या जोंक। ये देखिए इनकी बॉडी कैसी सेगमेंटेड दिखाई दे रही है, आप देखिए इस पे चित्र में देखिए आप, इसमें इनकी बॉडी सेगमेंटेड दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। आप देखिए आगे, अब ये पॉइंट क्लियर हुआ, ये इसका मेन पॉइंट है जो आपको याद ही रखना है, ठीक है। अभी तक कोई किसी की बॉडी इस तरीके से सेगमेंटेड नहीं थी, ना उसमें कोई मेटामेयर पाए थे। और कैसे होते हैं बेटा ये एनिमल, ये स्थल और जल दोनों पे पाए जाते हैं। हिंदी सुनिए ध्यान से, ये इसका मतलब स्थलीय होता है, स्थलीय होते हैं ये एनिमल, और जलीय भी होते हैं। और कैसे होते हैं? जलीय भी होते हैं। अब इन दोनों पॉइंट को जरा समझिए, स्थलीय का मतलब मिट्टी में पाया, जल का मतलब जल में। और जल हमारे पास कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है, यानी एक तो स्वच्छ जल है जो नदी तालाबों का है, और दूसरा समुद्री जल है, ठीक है। मैराइन वाटर का मतलब होता है समुद्री जल। तो फ्रेश वाटर में कौन पाया जाएगा? फ्रेश वाटर में आपकी लीच या जोंक पाई जाती है, जोंक फ्रेश वाटर एनिमल है, ठीक है। और मैराइन वाटर में आपकी नेरिस होती है, देख लीजिए, लिख लीजिए इसको, नेरिस, एनसीईआरटी ने दी है आपको, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर, समझ में आ गया। ये समुद्री जल और स्वच्छ जल तथा स्थल तीनों स्थानों पर पाए जाते हैं। इतनी बात क्लियर हुई।
अब इसमें ये रिप्रोडक्शन का पॉइंट मैं अभी आपको बता रहा हूं, इधर आ जाइए। पहले इसमें दिया है टिक्लोप्लास्टिक लिखा है, आप लिखेंगे इनकी बॉडी वॉल तीन लेयर से मिलकर बनी होती है, अर्थात ये एनिमल टिक्लोप्लास्टिक होते हैं। एनसीईआरटी ने दिया है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है ये तीन लेयर हो गई। अगला क्या है, इनका जो बॉडी की बनावट होती है, इनके अगला पॉइंट आप ऐसे लिखेंगे इनके शरीर की बनावट, इनके शरीर का शारीरिक संगठन कैसा होता है, तो आप बताएंगे अंग तंत्र स्तर का होता है, इसकी हिंदी होगी अंग तंत्र स्तर। इनके कहने का मतलब है कि ये बहुत सारे अंग मिलकर क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं, और वो अंग तंत्र मिलकर एक बॉडी का निर्माण कर लेती है, शरीर का निर्माण कर लेती है। तो संघ एनलिडा के जितने भी जंतु हैं उनमें ऑर्गन सिस्टम लेबल पाया जाता है, ये बात क्लियर हुई आपको। अगला देखिए, अब लिखा है इसमें फर्टिलाइजेशन। अब मैं फर्टिलाइजेशन को यहां यहां से जोड़ रहा हूं, आप ध्यान समझिए, ये चीज आपके लिए समझने की है। मैंने यहां लिखा है फर्टिलाइजेशन क्रॉस होता है, बेटा क्रॉस फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, ऐसा निषेचन जिसमें क्या हो मेल का और फीमेल का ओबम और स्पर्म कैसा होना चाहिए, दोनों का अलग अलग होना चाहिए, उसे बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। जैसे आपने क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ा होगा, परागण की परागण क्या होता है कि दो अलग अलग फ्लावर हो या दो अलग अलग पौधे हो, उनके फ्लावर के जो गैमेट हो वो आपस में मिले, उसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। वैसे ही इसमें होता है कि मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा, होते तो ये बाइसेक्सुअल है लेकिन फिर भी क्या है इनमें अपना स्व फर्टिलाइजेशन नहीं होता, अर्थात सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि दूसरी अगर मान लीजिए कि केचुआ है, तो एक केचुआ ये है आपका और एक केचुआ आपका ये है, तो इस तरीके से क्या होंगे आपस में, इसका स्पर्म इसमें जाएगा और इस वाले का स्पर्म इसमें जाएगा, ठीक है, इस तरीके से इसमें क्या हुआ क्रॉस होता है दूसरे के प्रति, तो इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इतनी बात क्लियर हुई आपको, अब यहां आ जाइए, मैंने यहां लिखा है इंटरनल एक्सटर्नल। देखिए अब निषेचन ये तो हो गया कि मतलब कि क्रॉस निषेचन इसमें पाया जाता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। यहां लिखा है एक्सटर्नल और इंटरनल, ये क्या होता है बाह्य निषेचन तथा आंतरिक निषेचन। तो एक्सटर्नल का मतलब बेटा ये होता है कि अगर बॉडी के बाहर निषेचन क्रिया हो रही है तो वो एक्सटर्नल या बाह्य निषेचन कहलाएगा, और किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर अगर क्रिया हो रही है तो इंटरनल कहलाएगा। और इंटरनल की स्पेलिंग देख लीजिए, यहां पे एन भी आ रहा है, ठीक है, इंटरनल क्या फर्टिलाइजेशन। तो इसमें दोनों प्रकार का निषेचन होता है। यहां पे इसके उदाहरण ले लीजिए, देखिए अगर हम लोग एक्सटर्नल की बात करें तो नैरिस, नैरिस और आपका अर्थवॉर्म केचुआ, अर्थवॉर्म ये क्या है आपके अर्थवॉर्म और आपका नैरिस, इसमें क्या होता है, इसमें तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा बॉडी के बाहर। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो किसके अंदर होता है, तो वो लीच के अंदर होता है, किसके अंदर होता है लीच यानी जोंक। इनके मैं वैज्ञानिक नाम भी आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के। तो लीच में इंटरनल तथा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नैरिस एवं अर्थवॉर्म में पाया जाता है, ये बात आपको क्लियर हुई, आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा यहां दिया है, यहां आ जाइए, अब लिखा है कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रही है। तो इसमें ऐसे लिखेंगे संघ एनलिडा के जंतुओं में पूर्ण रूप से विकसित क्या पाया जाता है, पाचन तंत्र पाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या होगा कि माउथ और एनस दोनों पाए जाएंगे, क्या होंगे इसमें माउथ भी होगा और एनस भी होगा। एनस का क्या मतलब होता है, एनस से अनडाइजेस्टिव फूड जो बॉडी के अंदर होंगे इस एनिमल के वो यहां से बाहर निकालेगा, और खाने के लिए क्या है इसमें माउथ होता है। पॉइंट क्लियर हुआ, अगला देखते हैं, अगला दिया है ट्रू सिलोम। अब मैंने यहाँ पे ट्रू सिलोम लिखा है सिर्फ इसमें, अब आप समझिए ट्रू सिलोम का मतलब क्या है। मैंने अभी तक आपको टर्म बताया था कि जितने एनिमल है वो असिलोमेट होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं वो यू सिलोमेट होते हैं। अभी यू सिलोमेट का मतलब समझना है आपको सिर्फ, यू सिलोमेट का मतलब या साइजो सिलोमेट, ठीक है, यू सिलोमेट का मतलब होता है कि इनके अंदर क्या, जैसे मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, मैं आपको डायग्राम इसी में बताता हूं, मान लीजिए पूरा अर्थवॉर्म बना रहा हूं मैं इस तरीके से, है इसकी बॉडी के अंदर क्या है ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच जो स्पेस पाया जाता है उसे सिलोम कहते हैं। तो इसमें पूर्ण रूप से विकसित होता है, इसीलिए इसको बोल दिया ट्रू या यू सिलोमेट एनिमल होते हैं। बात क्लियर हुई, अब देखो अगला पॉइंट,
अगला देखा है सिमेट्री है, पुराने टॉपिक है, बायलैटरल सिमेट्री होती है अर्थात इनकी जो सममिति होती है वो बायलैटरल द्विपार्श्विक होती है, यानी इनकी बॉडी सिर्फ एक ही जगह से बराबर दो भागों में डिवाइड हो सकती है। इतनी बात क्लियर हुई जैसे ह्यूमन की। आगे का पॉइंट देखा है, देखिए बेटा लोकोमोशन को हम गमन बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? गमन। गमन क्रिया किसके द्वारा? गमन का मतलब क्या हुआ बेटा? गमन का मतलब हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पे चलना, वो क्या कहलाता है? गमन कहलाता है। और इसमें जो गमन क्रिया होगी वो तीन चीजों के द्वारा होती है, मैं तीनों लिखे हैं आपको, पैरापोडिया, सीटी एंड बॉडी मसल्स। समझिए ध्यान से, पैरापोडिया क्या होते हैं? आप एनसीईआरटी में नैरिस का चित्र देखिए तो नैरिस में इस तरीके से बने होंगे आपके, इस तरीके से बहुत सारे पैरापोडिया, इस तरीके से देखिए आप नैरिस को, तो इनको बोलते हैं पैरापोडिया। ठीक है, तो नैरिस और अर्थवर्म में किसके द्वारा होता है? नैरिस और केंचुआ, हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं, केंचुआ बोलते हैं अर्थवर्म को। ठीक है, नैरिस और केंचुआ में किसके द्वारा होगा? पैरापोडिया के द्वारा। सीटीबी, तो आप बताएंगे सीटीबी आपकी केंचुआ में पाई जाती है, सीटीबी छोटी छोटी ऐसे ही होती है केंचुआ का। अगर हम एक जैसे मान लीजिए आपकी यहाँ पे मैं केंचुआ एक बना दे रहा हूँ आपको इस तरीके से, देखिए ये देखिए इसके अंदर इस तरीके से रिंग पाई जाती है छोटी, जिनकी बॉडी पूरी सेगमेंटेड होती है, ये रिंग हो गई, और रिंग के ऊपर यहाँ पे सीटी पाई जाती है, माइक्रोस्कोपिक होती है, दिखाई नहीं देती, इस तरीके से सीटी होती है। तो इन सीटी के द्वारा क्या करता है? मूवमेंट करते हैं। बॉडी मसल्स के द्वारा अगर कोई करता है तो उसका एग्जाम्पल है आपकी लीच। क्या है? लीच जो है वो बॉडी जो जो किसके द्वारा एक दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करती है, तो अपनी जो मसल्स हैं इसके शरीर की बॉडी मसल्स हैं उसके द्वारा क्या करती है? एक स्थान से दूसरे स्थान पे चल जाती है। और लीच में क्या होता है? लीच में दोनों तरफ पोर होते हैं, उन्हें सकर्स बोलते हैं, और जो लीच होती है वो आपकी कार्निवोर होती है, यानी ये किसी भी व्यक्ति किसी भी एनिमल का क्या करती है? ब्लड चूसती है। ठीक है, तो ये कार्निवोर हो गई, मांसाहारी होती है। इतनी बात क्लियर हुई। और देखिए केंचुआ क्या करता है? केंचुआ मिट्टी खाता है, और नैरिस ये समुद्री जल में पाई जाती है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, तो ये समुद्र में उपस्थित वाटर है, तो ऑस्मोरेगुलेशन वगैरह क्रिया के द्वारा के एलिमेंट जो केमिकल एलिमेंट होते हैं उनको फीड करती है। अब देखिए इसमें क्या है बेटा? सर्कुलेटरी सिस्टम है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक किसी भी फाइलम में हम लोगों ने परिसंचरण तंत्र नहीं देखा है, लेकिन यहाँ से एनिडा से हमें क्या मिल रहा है? सर्कुलेशन मिल रहा है, यानी परिसंचरण मिल रहा है। कैसे? इनकी बॉडी में ब्लड भी बन रहा है, ब्लड फ्लो भी कर रहा है। तो संघ एनिडा के जंतुओं में क्लोज टाइप का बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बेटा बंद प्रकार का क्या होता है? क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या? इनकी जो मतलब इनका जो ब्लड होता है वो जो आपकी कैपिलरीज होती हैं, जैसे आरटी और वेन होती हैं, धमनी और सिराए, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है? इनका ब्लड फ्लो करता है। तो इस टाइप के क्या कहते हैं? इस टाइप को हम क्या बोलते हैं? क्लोज टाइप सर्कुलेशन या बंद प्रकार का सर्कुलेशन। इनमें हृदय भी होता है, ब्लड वेसल्स भी होती है। ठीक है, इसके साथ साथ इनके अंदर एक श्वसन बाड़क पाया जाता है, जो आपसे बहुत सारा पूछा जाता है कि इनका जो ब्लड होता है उसमें कौन सा बाड़क होता है, तो फाइकोसाइनिन होता है। इसमें क्या होता है? फाइकोसाइनिन इसमें क्या होता है? श्वसन बाड़क होता है, जिसमें और इसमें हीमोग्लोबिन भी होता है बेटा। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट क्या है इसमें? अगला पॉइंट दिया एस्क्रीशन, मतलब कि उत्सर्जन। तो इन जंतुओं में उत्सर्जन की जो क्रिया है वो नेफ्रिडियम के द्वारा होती है। और ये केंचुआ जो है आपका, इसका हम डिटेल पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, जब हमारा आएगा उसमें एक चैप्टर में केंचुआ की हमें पूरी टाइप हिस्ट्री पढ़नी है, उसमें मैं आपको ये नेफ्रिडियम क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और कैसे ये बॉडी में अपना फंक्शन दिखाता है, ये सारी चीजें मैं आपको वहां बताऊंगा। यहाँ पे आपको इसके सामान्य लक्षण में सिर्फ इतना याद रखना है कि इसमें उत्सर्जन नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। ठीक है, तो बेटा आप इसको ऐसे लिखेंगे, इसमें उत्सर्जन जो है वो नेफ्रिडियम या नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। नेफ्रिडियम जो है वो सिंगुलर शब्द है आपका, और प्लूरल जो है वो आपका नेफ्रिडिया होता है। अब मैं बात बताता हूं आपको इसमें रिप्रोडक्शन की। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। कैसा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और क्या होता है इसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब मैं अभी बताता हूं इसमें कैसे क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान इसमें कुकून फॉर्मेशन होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये किसी भी एग्जाम के लिए,
कुकून फॉर्मेशन की जो क्रिया है, कुकून किसमें बनता है, तो लीच और केचुआ में कुकून फॉर्मेशन होता है, अर्थात आपका एनिडा के जंतुओं में कुकून फॉर्मेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। जब मैं आपको केचुआ पढ़ाऊंगा तो कुकून फॉर्मेशन की क्रिया भी पढ़ा दूंगा, बस आपको यहाँ ध्यान रखना है इतनी बात का। आई होप आपको ये सारी चीज समझ आई होंगी बेटा। अगर आप एनसीईआरटी किताब लेके देखेंगे इसको तो एक एक पॉइंट आपको वहां मिलेगा, ठीक है। नोट्स बनाने की बात है तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड भी कराता हूँ वीडियो के माध्यम से, और नहीं तो आप मेरे साथ साथ नोट्स अपना बना सकते हैं। अगर आप मेरे साथ नोट्स बनाएंगे तो वो आपका नोट बहुत यूजफुल, बहुत अच्छा होगा, और वो आसानी से आप उसको याद भी लर्न भी कर सकते हैं बाद में। सारी चीजों में आपको बोर्ड पे ही लर्न करा देता हूँ, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल की बात करूं बेटा, तो एग्जाम्पल समझ लीजिए नैरिस, केचुआ और जोंक, तीन एग्जाम्पल है इसमें। अब इसमें यह पूछा जाता है कि किन्हीं दो द्विलिंगी जंतुओं के नाम लिखिए। तो यहां पे जो जोंक होती है वो द्विलिंगी, केंचुआ द्विलिंगी, यानी बाइसेक्सुअल एनिमल है, मेल फीमेल दोनों एक ही की बॉडी में होते हैं, जबकि नैरिस जो होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है। नैरिस कैसा है, तो बेटा नैरिस एक लिंगी जंतु है, एक लिंगी सही जंतु है, अर्थात इसमें मेल अलग होती है और फीमेल अलग होती है। इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो नैरिस अगर मेल फीमेल अलग है तो इसमें कौन सा फर्टिलाइजेशन होगा बेटा, इसमें कैसा होता है, अभी मैंने बताया था आपको, इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन तो सब में ही होगा। इतनी बात क्लियर हुई, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी, ठीक है। आप साथ नोट्स बनाइए, पूरी वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हैं आप, और बेटा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें हमारी वीडियो, लाइक जरूर करा करिए, क्योंकि आप लोग लाइक करेंगे तो हमें लगता है कि आपको वीडियो पसंद आती है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है हमारी वीडियो देखने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिए, अपनी बात बताइए कि सर ऐसे नहीं ऐसे कराइए तो हमें समझ आएगा। मैं हर शब्द की यहाँ पे एक एक मैंने सबकी हिंदी भी बताई है आपको, तो आप इसको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिखा करें तो ज्यादा अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, वैसे आप नोट्स बना सकते हैं अपनी कॉपी में। मिलते हैं अगले वीडियो में, स्वस्थ रहिए।